दोस्तों बिग बॉस OTT3 में अदनान शेख ने किया अरमान मलिक को एक्सपोज, बताए अरमान मलिक की लाइफ के घिनौने सच, क्या है सारा मामला जानेंगे आज। दोस्तों बिग बॉस OTT3 में अदनान शेख एक जलजला बनकर आए हैं अरमान के लिए, एक ऐसा तूफान जो थमने का नाम नहीं ले रहा है और अरमान की लाइफ के सारे सीक्रेट्स बाहर निकाल रहा है। रिसेंटली अरमान मलिक और अदनान शेख की लड़ाई हुई जिसमें अरमान ने अदनान की बाहर की पिटाई की बात खोली। तब अदनान ने बोला, अगर अरमान मैं तेरी केस की बातें खोलूंगा ना तो तू बेंट में ही फंस देगा इधर ही। इस पर अरमान की बोलती बंद हो गई। अरमान जो किसी के काबू में नहीं आ रहा है, किसी को बोलने नहीं देता है, हमेशा डराता धमकाता है सबको, वो अरमान भीगी बल्ली बनकर बैठ गया। दरअसल दोस्तों अदनान उस केस की बात कर रहा है जो पायल, उसके एक्स हस्बैंड राहुल और उसकी बहनों ने कई सालों पहले अरमान के अगेंस्ट किया था कि अरमान ने नाबालिग हाउस हेल्प के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, 16 साल की हाउस हेल्प के साथ गंदी हरकतें करने की कोशिश की थी। यहां तक ये पुलिस में FIR लिखवाया पायल ने कि अरमान हाउस हेल्प को ड्राइविंग पर ले गया था और वहां जाकर उस हाउस हेल्प के साथ उसने अश्लील हरकतें की थी। अरमान अपने आप को वैसे तो बहुत ही अच्छा दिखाता है दोस्तों, ये कहता है कितने आदमियों का बाहर अफेयर होता है, पत्नियों को मारते पीटते हैं, मैं दोनों का अच्छे से ख्याल रखता हूँ। अरमान आपकी वैल्यूज इतनी अच्छी होती ना तो पहली वाइफ को डिसोन नहीं करते आप, आप दोनों वाइफ को सपोर्ट करते हैं ना तो पहले वाइफ को फाइनेंशियली सपोर्ट क्यों नहीं किया आपने। अरमान आप ना इन पर एहसान नहीं कर रहे हैं, आप तीनों वीडियोस बनाते हैं, तीनों का बराबर का हक है, तुम इनको संभालते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अरमान तुम्हारा लाइफस्टाइल इन्हीं की वजह से अच्छा हुआ है। अरमान अगर एक पत्नी ने भी आपत्ति उठाई होती ना तो तुम बुरा फंस सकते थे। दोनों लेडीज ने साथ दिया है तभी अरमान बच पाया है। और बिग बॉस में किसी कंटेस्टेंट ने जब अरमान से पूछा, अरमान अगर तुम्हारी वाइफ कल को किसी और को पसंद कर ले और उससे शादी कर ले तो उस आदमी को तो क्या तुम एक्सेप्ट करोगे, क्या अपनी वाइफ के दूसरे हस्बैंड के साथ एक ही घर में तुम रह पाओगे। इस पर अरमान आग बबला हो बैठा था। और एक इंटरव्यू में जब अरमान से पूछा, अगर तुम्हारा बेटा चीकू भी दो शादी करे तो तुम्हें कैसा लगेगा, तब अरमान ने ऐसा नहीं बोला कि उसे ये नहीं करना चाहिए, जबकि बोला अगर उसको ऐसा लगता है तो ये उसका डिसीजन है। वीडियो में आगे आने वाला है क्या बिग बॉस ने साजिश करके अरमान मलिक को कैप्टन बनाया, पर उससे पहले अनिल कपूर ने मांगी माफी और सलमान खान दे रहे हैं अनिल को ट्रेनिंग। सलमान खान अनिल कपूर लव के शर्मा की वीडियो जरूर देखना, लिंक मैंने आई बटन में दे रखा है। और सलमान खान अनिल कपूर लव के शर्मा की वीडियो के साथ साथ इस वीडियो को भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करें। दोस्तों अरमान मलिक बन गए हैं घर के नए कैप्टन। अरमान के कैप्टन बनने से अब घर में होंगे दंगे, कॉन्टेंट आएगा जबरदस्त, अरमान अपनी मर्जी से घर चलाएगा, दूसरे ग्रुप से काम कराएगा, मर्जी से खुद काम भी नहीं करेगा, जिसके चलते घर में हंगामा होगा। अरमान को कैप्टन बनाने के लिए बिग बॉस ने कितना रंग बदला है वो हम सभी ने देखा, पूरी प्लानिंग करके अरमान को बनाया कैप्टन, प्लानिंग करके क्लब कटारिया को बाहर निकाला, अदनान शिवानी को बाहर निकाला, सना मकबूल को बाहर निकाला टास से, इनके सामने दूसरा ग्रुप रखा, दूसरे ग्रुप के सामने उनके बंदे रखे ताकि उनमें से कोई कैप्टन में बने। ऐसे में कटारिया ने अदनान को जब कैप्टन चुना तो अदनान को सजा दी गई कि उसने बिग बॉस की सारी बातें बाहर की थी, तब कटारिया कैप्टनसी की रेस से बाहर हुआ। और रणवीर शौर्य जो लास्ट में बचा था उसके पास अरमान की ट्यूब थी जिस कारण अरमान कैप्टन बने। और तो और दोस्तों बिग बॉस ने 7 दिन तक राशन ना देने की धमकी दी थी कंटेस्टेंट को, धमकी देकर बिग बॉस ने कंटेस्ट बनाया है अरमान को कैप्टन। दोस्तों बॉलीवुड की ऐसी मसालेदार वीडियोस के लिए मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, मुझे सपोर्ट करें। एंड स्क्रीन पे सारी वीडियोस बॉलीवुड के सुपरस्टार की मसालेदार न्यूज से भर दी है जिनको लोगों ने बहुत पसंद किया और बहुत लाइक किया। आप भी उन्हें देखें, बहुत लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।